इन वीडियो क्लिप्स की सीरियसनेस का इस ब्लॉग से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नए और फनी ब्लॉग में। भाई की शादी अटेंड करने के लिए एक बार फिर हम रोड़ों से रेंगते हुए पहुंचे पटोल गांव। यहाँ लोग झुंड बना के और ढोलों को पीट पीट के बहुत ही गंभीर डिस्कशन कर रहे थे कि भाई की शादी करनी कैसे है। इस गोला के लोगों को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे। जब कुछ डिस्कस नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा छोड़ो थोड़ी हल्दी ही लगा ली जाए। तो एक एक करके गांव वालों ने भाई को हल्दी से छिन भिन कर दिया। भाई ने हाथ जोड़ के सबसे माफी भी मांगी कि आइंदा कभी नंगा नहीं बैठूंगा। और इस बात से खुश होके गांव वाले फिर ग्रुप में सनलाइट लंच करने लग गए। दोपहर को गांव वालों ने कीर्तन करते हुए अपना सारा गुस्सा पीट पीट कर इस मासूम से ढोलक पे निकाल दिया और इस ढोलक को फिर कहीं बजने लायक नहीं छोड़ा। अब थोड़ी इस फालतू आदमी की बकवास भी सुन लीजिए क्योंकि इस वीडियो का सारा क्रेडिट इसी आदमी को जाता है। हरियाणा से हम पीछे की तरफ से होते हुए आए हैं मौखेत और ये आप जो पीछे रोल देख रहे हैं ये है डिंड और डिंड के पीछे उस तरफ की ओर है द्वारी और ये रास्ता ये जो नीचे की तरफ जा रहा है आप वहाँ से देखिए वो रास्ता जा रहा है डबराड़ के लिए और वो जो सामने जो गाँव देख रहे हैं आप जो छोटे छोटे घर हैं वो हैं डबराड़ के। पुराने टाइम के आदिवासी थे और ये रोड देखिए आप पानी रहता है इसमें काफ़ी ठंडी हवा रहती है इसकी और हमारे गांव के लिए जो पानी जा रहा है वो इसी जंगल का जा रहा है। ये जो आप डबराड़ के ऊपर की तरफ जो जंगल देख रहे हैं आए थे हम स्पेशल डबराड़ देखने और यहाँ की ढाक देखने। ये भाई भी लगे हुए हमारे पीछे पहुँच गए हैं जैसे तैसे। और रात होते ही लोग हाथों को ऊपर की ओर हिलाकर कूदने लग गए। ये नजारा सुबह तक चला और तब तक हमारा भाई जंग में जाने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर सबने अपने अपने हथियार उठाए और नाचते हुए जंग के लिए निकल पड़े। भाई भी अपना दिव्यास्त्र अपने गले में टांगकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ चला। सेना में पूरा जोश था जो कि पहाड़ की चढ़ाई और उतराई से भी नहीं घबरा रहा था और कंटिन्यूस दुश्मन की सीमा के पास चले जा रहा था। ऑपोजिशन पार्टी ने हमारी पूरी सेना को अपनी बाउंड्री में रोक लिया था। और हमारी सेना के पास खड़े होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो हमसे लड़ाई नहीं दोस्ती करना चाहते हैं। हमारी सेना को अंदर घुसाने के लिए उन्होंने हमसे पूरे 5 करोड़ रुपए मांगे। ऑपोजिशन ने कहा 5 करोड़ दो नहीं तो वापस जाओ। और इसके जवाब में हमारी सेना ने बर्फ की वर्षा कर दी। इस बात से डरकर उन्होंने हमें अपनी सीमा के अंदर घुसा लिया और हमारे भाई की पूजा शुरू कर दी। ऑपोजिशन काफी सुंदर जगह बसा हुआ था और इस जगह का नाम था बंदोड़। और आखिरकार भाई ने अपनी रानी पाई ली। इस बात से दोनों पक्ष बहुत खुश हुए और जोर जोर से हाथ पीटने लग गए। और हमने भी मौका देख के अपने भाई और उसकी रानी के साथ फोटो खिंचवाई ली। भाई बंदोड़ की जंग जीत के अपनी रानी अपने संग ले चला और सभी खुशी से नाचने लग गए।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।